नमस्कार दोस्तों मैं हूं राम फार्सगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे तो आज का अपना नया वीडियो है जो एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में तो एच यू एच यू का आपके सामने जो ड्राइंग दिख रहा है यह ड्राइंग आपको डिटेल में यहाँ समझाता हूँ ए एच यू यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं ये ए चू का है तो यहाँ हम लोग पूरा डिटेल्स में समझते हैं तो ये समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक रहना होगा बीच में स्किप मत करिए ताकि आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कि समझ में ना आए तो शुरू करते हैं तो डिटेल्स में देखो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि ए सीरियल नंबर है जो कंपनी से मैन्युफैक्चर जो भी होगा इसका वहाँ से आया हुआ है फिर उसके बाद ए मॉडल नंबर है और कैपेसिटी दी गई है ये कैपेसिटी हमारे लिए बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि टू सिक्स थ्री सेवन सी एफ़ एम सी एफ एम होता है दोस्तों क्यूबिक फीट पर मिनट ठीक है जो सी एफ एम ये कितना मतलब इसकी कैपेसिटी जो ये एयर हैंडलिंग यूनिट जो लगा है उसकी कैपेसिटी टू सिक्स थ्री सेवन छब्बीस सौ सैंतीस क्यूबिक फीट पर मिनट और स्लैश करके फोर फोर एट थ्री सी एम एच दिया है सी एम एच यानी कि क्यूबिक मीटर पर आवर और नेक्स्ट है स्टैटिक प्रेशर स्टैटिक प्रेशर है 150 फिफ्टी mm, एम ठीक है मोटार के डब्लू एंड पोल्स 3.7 पॉइंट सेवन के डब्लू स्लैस टू पी ठीक है फिर बाद में फाइन फिल्टर की साइज़ दी गई है 610 वन ज़ीरो इंटू सिक्स वन ज़ीरो इंटू थ्री हंड्रेड ठीक है ऐसे एक दो नंबर्स फाइन फिल्टर है फिर बाद में आता है सेमी फिल्टर सेमी फिल्टर की साइज़ है सिक्स वन ज़ीरो इंटू सिक्स वन ज़ीरो इंटू थ्री हंड्रेड मतलब फाइन फिल्टर और सेमी फिल्टर की साइज़ एक है इसका भी नंबर एक है तो दूसरा जो सेमी फिल्टर है उसकी साइज़ थोड़ी सी अलग है वो है थ्री ज़ीरो फाइव इंटू सिक्स वन ज़ीरो इंटू थ्री हंड्रेड इसकी भी क्वांटिटी एक है तो फाइन फिल्टर दो है जिनकी साइज़ सेम है एक सेमी फिल्टर है उसकी साइज थोड़ी सी अलग है दूसरे सेमी फिल्टर से तो ये फिल्टर और उसकी साइज आ गई नीचे है जो सर्कल कलर में दिया है वो कूलिंग कॉइल है रेड कलर में है वो हीटिंग कॉयल है और जो बीच में डॉट है वो वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है नेक्स्ट आता है जो लाइन्स है वो मॉइचर एलिमिनेटर है नेक्स्ट है फाइन फिल्टर सेमी हिपा फिल्टर बाद में आर ए राइज़र विद टेन माइक्रोन फिल्टर आर ए मतलब मतलब होता है दोस्तों रिटर्न रिटर्न राइज़र जो होता है रिटर्न एयर के लिए रिटर्न एयर राइजर विद टेन माइक्रोन फिल्टर नेक्स्ट है एच फोर्टीन हेफा फिल्टर ठीक है हेफा फिल्टर की जो पोरोसिटी होती है दोस्तों जीरो पॉइंट जीरो थ्री माइक्रोन में होती है और नेक्स्ट है फायर डैम्पर तो ये हमने एब्रीविएशंस इस एच यूनिट का देखा है दोस्तों तो अभी जो ड्राइंग है उसकी तरफ चलते हैं तो स्टार्टिंग हम लोग आते हैं लेफ़्ट साइड से जहां आपको दिख रहा है फ्रेश एयर सिक फोर फिफ्टी एट सी एफ एम फ्रॉम टी एफ ए टी एफ ए होता है ट्रीटेड फ्रेश एयर ध्यान से सुनिए दोस्तों टी एफ ए होता है ट्रीटेड फ्रेश एयर तो हमको जो इन्वायरमेंट से है हमको 458 फिफ्टी एयर लेना है तो फिर यहाँ नेक्स्ट उसके वॉल्यूम कंट्रोल है उसके बाद रिटर्न एयर डैम्पर है यहाँ फिर फाइन फिल्टर लगाया हुआ है उसके सामने और उसके सामने फिर फैन एंड मोटर सेक्शन है फिर आता है एयर एयर में भी यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट आता है कूलिंग कोयल, ठीक है कूलिंग कोयल के बाद आता है कूलिंग में मतलब चिल्ड वाटर यहाँ से पास किया जाता है जैसे कि हमको एरिया में चिलिंग चाहिए तो चिलिंग के लिए और अगर चिलिंग ज़्यादा है तो उसको हीट करना है तो हीटिंग तो दोनों भी जैसे कि कूलिंग का भी और हीटिंग का भी दोनों प्रोविज़न एच यू में रहता है तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक हुआ कूलिंग कॉयल दूसरा है हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल के बाद ड्रेन पाइप दिया हुआ है कि जो भी कंडेंसेट वहाँ अपने डक में होगा तो उसको ड्रेनेज करने के लिए ड्रेन पाइप दिया हुआ है हीटिंग कॉइल के बाद सेमी फिल्टर दिया हुआ है और वही एयर सप्लाई एयर डैम्पर है फिर उसके आगे वॉल्यूम कंट्रोल है और फिर बाद में फायर डैम्पर है यहाँ और ये एयर फिर कितनी एयर मिल रही है हमको टू सिक्स थ्री सेवन सी एफ एम यहाँ से जैसे जैसे यहाँ एरो दिया हुआ है टू सिक्स थ्री सेवन ये आ गया सीधा आपके एरिया में तो एरिया में पहुंचने से पहले वहां फिर से वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर तो ये हर एरिया के पहले सप्लाई से पहले वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है अगर एयर ज़्यादा आ रही है तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर होता है और एरिया से पहले जहाँ से एरिया में स्टार्ट होती है एयर वहाँ हमको हेपा फिल्टर लगे हुए हैं जो रेड कलर में दिए हैं और फिर ये नीचे का एरिया है सैम्पलिंग वन टू पर्सनल एयर लॉक फिर वॉश एरिया पर्सनल एयर लॉक और फिर ये सैम्पलिंग एरिया उसके बाद रिटर्न एयर राइज़र है ठीक है तो मतलब जो सप्लाई एयर का आया हुआ है वो रिटर्न राइजर में चला जाएगा रिटर्न राइजर से फिर से यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है और सभी एरिया का जो एयर बाहर रिटर्न से निकलेगा वो फिर से रिटर्न एयर देखो हमको सप्लाई मिला था टू सिक्स थ्री सेवन सी एफ एम और रिटर्न में आ रहा है टू वन वन सेवन सी एफ एम और ये आके आप यह एरोमार्क देख सकते हो ये सीधा यहाँ आके रिटर्न एयर टू वन वन सेवन सी एफ एम फा फिर बाद में ये आता है कहाँ? फायर डैम्पर थ्रू फिर से आ रहा है वो एयर रिटर्न एयर डैम्पर में जो फ्रेश एयर जहाँ से लेता है उसके थोड़ा बैक साइड में तो फिर से ये रिटर्न एयर डैम्पर से फिर से फाइन फिल्टर से चला जाएगा फिर चिलिंग होगी फिर हीटिंग होगी तो जो भी मतलब जैसे है चिलिंग चाहिए तो चिलिंग रहेगा हीटिंग है तो हीटिंग फिर से इसको फिर से वही सप्लाई एयर से फिर से हेपा फिल्टर फिर रिटर्न एयर राइजर से फिर से वही डक्ट से ये ऐसे रिसर्कुलेशन होता रहेगा और ये आपको ये फायर डैम्पर है ये रिटर्न एयर डैम्पर और इसका जो अब्रिवेशंस है कैपेसिटी मैंने बता दी है आपको टू सिक्स थ्री सेवन सी एफ एम है और सी एम एस में करना है तो आपको फोर फोर एट थ्री है और स्टैटिक प्रेशर है उसका वन फिफ्टी ये फाइन फिल्टर की साइज़ दी गई है और ये इसके अब्रिवेशंस है तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहेगा और जो मेरे भाई लोग कलीग सीनियर्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ तब तक हंसते रहिए खेलते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को और यूट्यूब पे करते रहिए हैश नॉलेज और हैश इंटरव्यू की तैयारी तब तक जय हिंद जय भारत